केंद्र से आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोन मेले के जरिए एमएसएमई सेक्टर को वह बूस्टर डोज दे दी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। दरअसल एक जिला एक उत्पाद के तहत इसकी तैयारियां तो पहले से ही थी, कोरोना के नाते इसमें कुछ गतिरोध आया था, कोरोना से इसकी बेहतरी का अवसर भी मिला। अवसर मिलते ही मुख्यमंत्री ने इस सेक्टर को राहत देने में तनिक भी देरी नहीं की। बुधवार को अपने आवास पर आयोजित ऑनलाइन लोन मेले में उन्होंने करीब 56,754 उद्यमियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन बांटे। इसमें 2 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन अवधि में इतने कम समय में इतने उद्यमियों को इतनी बड़ी धनराशि का लोन पूरी पारदर्शिता के साथ देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई का साथी पोर्टल भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कामगार और श्रमिक हमारी ताकत और पूंजी हैं, हम इनके श्रम और हुनर का हर संभव उपयोग कर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के माथे पर पलायन का जो कलंक है उसे धरदम के लिए मिटाने का हमारे लिए यह बेहतरीन मौका है। दूसरे प्रदेश से आने वाले श्रमिकों को प्रदेश के नव निर्माण में संभव उपयोग हो इसके लिए हर श्रमिक की दक्षता का रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगे दीपावली का पर्व है, इस दौरान पूरे देश में चीन से आने वाली गौरी गणेश की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बिकती हैं। हमारी कोशिश है कि इस बार स्थानीय इकाइयां उसका विकल्प दें। टेराकोटा के सामान बनाने वाले गोरखपुर के उद्यमियों में यह हुनर है, वह चीन से भी बेहतर गुणवत्ता की मूर्तियां बना सकते हैं, इसके लिए उनकी हर संभव मदद की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर भारत में सबसे बड़ा है। इस सेक्टर में कई ऐसी इकाइयों ने जिनके जनपद की पूरे देश और दुनिया में धूम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इस आर्थिक पैकेज का लाभ सभी जिलों की ऐसी इकाइयों को मिलेगा, उन जिलों के उत्पादों की देश दुनिया में पहचान और मजबूत होगी जिसके उत्पाद पहले से ही ब्रांड के रूप में स्थापित हैं। इससे स्थानीय स्तर पर न्यूनतम पूंजी में अधिकतम रोजगार मिलेगा, साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष त्रिपाठी, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा गोरखपुर के 5 उद्यमियों को चेक दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा व ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष त्रिपाठी ने कहा जीएसटी लेबर सभी विभागों को लिंक कर दिया गया है ताकि किसी के पास कोई लक्षण नहीं हो, ताकि पोस्ट लॉकडाउन को सुचारू में मदद मिले, ये ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में डॉक्टरों ने आने जाने में कठिनाई है, तो लोग घर बैठ के अपने आप को करा के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं सर। तो तीसरा सर सबसे महत्वपूर्ण नाम यह है कि आपका जैसा निर्देश हुआ था जो तो आज सर लगभग 56,754 लाभार्थी 2002 करोड़ रुपए के ऋण की राशि स्वीकृत उत्तरित आज बड़ी इसमें सर सभी योजनाएं है योजना है आपका सर मुद्रा है स्टार्टअप है और कुछ है सभी इसका भी है सर। इसमें तो सर हमारे बैंक के जो प्रतिनिधि हैं आप अगर मुझे रामचंद्र सिंह है ये सर आज ये इस कार्यक्रम में सभी बैंकर्स ये कमेंट भी करेंगे कि सर जो एमएसएमई को किया जा रहा है।
संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। isme.gmobile.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल किया गया है। कुछ लोगों जानकारियां भरने के पश्चात आवेदन पत्र सीधा जिला मुख्यालय एवं मंडल प्रोत्साहन केंद्र में ऑनलाइन अभिसारित हो जाता है। योजना एवं आवेदन करने की समस्त जानकारियों का अभ्यास सकती है। आवेदनकर्ता को अपने आवेदन की मल पर की जानकारी पोर्टल और अपने फोन पर प्राप्त होती रहेगी। इन योजनाओं को ऑनलाइन करने से जन सुलभता एवं पारदर्शिता का संचार होगा। वही लाभार्थियों को अनावश्यक तंत्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इन योजनाओं की पहुँच अधिक से अधिक लोगों तक संभव हो सकेगी। कितने बहुत आया रोजगार इसमें आप दे सकते हैं? मजा लगता है आपको?
बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हमारी शुभकामनाएं। कृषि विकास आयुक्त श्री आलोक नारायण सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, एमएसएमई के प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल जी, यहां पर उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, स्टेट डबल बैंकर्स कमेटी के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामजस यादव जी, हमारे बैंकर्स, जितने भी यहाँ पर विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधकगण आए हैं और जनपद स्तर पर जो हमारे जिला उद्योग केंद्र से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उपस्थित लाभार्थीगण हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के माननीय वित्त मंत्री जी का, और एमएसएमई विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल पैकेज घोषित हुआ और आज एमएसएमई विभाग स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद बना करके 56,754 लाभार्थियों को 2,002 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है। कितने लाभार्थी, 56,754 लाभार्थियों का मतलब एक साथ हम लोग 2,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं और यही हमारी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस चीज को लगातार बोलते रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने देश को नेतृत्व दिया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, मेक इन इंडिया की जो बात की थी, और परसों के अपने उद्बोधन में उन्होंने लोकल को ग्लोबल बनाने की जो बात कही है, ये वास्तविकता भी है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत 135 करोड़ लोगों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी जो अभिनव योजना प्रारंभ की थी, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत थी और इस ताकत का ही परिणाम था कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्रीय प्रति आय से ज्यादा थी, लेकिन हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं और धीरे धीरे करके जो हमारा पोटेंशियल था, जो हमारी ताकत थी, जब वो ताकत कहीं ना कहीं नजरअंदाज हुई या उसको कम करके आंकने का प्रयास हुआ, तो उसकी कीमत हम लोगों ने किस रूप में चुकाई। आने के लिए जो है अधिक से अधिक जो है रोजगार सृजन के संबंध में जो है कि आज पूरे प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है एक रोजगार संगम मेले का आयोजन किया गया ऑनलाइन,
जिसमें जो है कि जनपद गोरखपुर से भी जो है कि 4 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जो है, और इस प्रकार से जो है कि मंडल में जो है कुल 16 लाभार्थियों को जो है लाभान्वित किया गया जो है विभिन्न योजनाओं में जो है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुद्रा योजना, इन सभी योजनाओं में जो है आज लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। और उसमें जो है कि इस रोजगार संगम मेले में जो है ये निर्देश प्राप्त हुए जो है कि जो भी इस तरह के जो है कि रोजगार से जुड़ना चाहते हैं लोगों को, उनको जो है रोजगार से जोड़ करके अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए। और क्या कुछ स्कीम है रोजगार के लिए, उद्योग के लिए? उद्योग के लिए जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है कवर करते हुए जो है उनको वित्त पोषण की सहायता कराते हुए बैंकों से उनको जो है रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करने और उन्हें अधिक से अधिक स्वरोजगार हेतु जो है स्थापित करने के लिए जो है ये प्रेरणा दी गई। इसमें जो है कि वित्त पोषण करने से पूर्व जो है उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उनको टूल किट वगैरह की जो है भी वितरण किया जाएगा और तत्पश्चात उनको रोजगार लगाने हेतु जो है प्रेरित किया जाएगा। आशुतोष त्रिपाठी, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज गोरखपुर मंडल गोरखपुर में 158 लाख का लोन वितरण हुआ है विभिन्न योजनाओं में, मुख्यमंत्री में, PMEGP में, ODOP में, विशेषतः मुद्रा में। इन जो 4 योजनाएं जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं उसमें 160 लाख लोन वितरण है। कितने बैंक शामिल हैं? बैंक मुख्य रूप से SBI है, PNB है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन बैंकों ने विशेष सहयोग दिया है। गोरखपुर जनपद में आज कितने लोगों को दिया गया? गोरखपुर जनपद में 5 लोगों को आज ऋण वितरण किया गया है।